इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पूर्व विधायक अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव और जिला परिषद के चुनाव हार के डर से नहीं करवा रही और न ही कांग्रेस एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को पता है कि चुनाव में उनकी हार निश्चित है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से तमाम पार्टियां बौखलाई हुई हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चौकीदार से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वे जाट धर्मशाला में इनेलो किसान प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गेहूं का सीजन खत्म हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों का करोड़ों रुपया सरकार के पास बकाया है। इन पैसों को बैंकों में जमा कराकर सरकार ब्याज खा रही है, जो कि भाजपा के किसान हितैषी होने की पोल खोल रहा है। कांग्रेस को भी निशाना पर लेते हुए अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों आपस में मिली हुई हैं, इसीलिए प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक कभी भी एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव जल्दी कराने की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि इनेलो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदले हैं। 20 जुलाई से ओम प्रकाश चौटाला पूरे प्रदेश के दौरे करेंगे। जेल से रिहाई के बाद सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के बीच धरने पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों की पार्टी है। स्वर्गीय देवीलाल ने सत्ता से बाहर रहते हुए किसानों के लिए संघर्ष किया और सारी उम्र किसानों के हितों के लिए काम किया। जब देवीलाल सत्ता में थे, उन्होंने किसानों के हित के लिए बिल बनाए। एक सवाल के जवाब में अभय चौटाला ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पर तंज कसते हुए कहा कि वे हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं और अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए बेतुके बयान देते हैं। कभी वे डीजीपी, कभी आईजी और कभी सीआईडी को लेकर कंट्रोवर्सी बयान देते हैं। जब उनसे भाजपा द्वारा सोशल बायकॉट करने के बाद कार्यक्रम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा का काम विवाद पैदा करना है, न कि लोगों को राहत देना। उन्होंने बिना नाम लिए बिजली मंत्री, उप मुख्यमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि एक ओर वे देवीलाल के वंशज होने का दावा करते हैं, दूसरी ओर वे उनकी नीतियों का अनुसरण करने से पीछे हट रहे हैं। समय आने पर जनता उनका अच्छी तरह से इलाज कर देगी। उन्होंने बिजली चोरी पकड़ने पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिजली चोरी के नाम पर किसानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान प्रकोष्ठ की बैठक में फैसला लिया गया है कि इनेलो का कार्यकर्ता जहां जहां किसान आंदोलन चल रहा है वे वहां व्यवस्था करने में सहयोग देंगे, क्योंकि इनेलो ने पूरी तरह से किसान आंदोलन को समर्थन दिया हुआ है और तब तक इनेलो पार्टी चैन से नहीं बैठेगी जब तक तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं हो जाएंगे। इस मौके पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नाफे सिंह राठी, पूर्व मंत्री श्याम सिंह राणा, इनेलो जिलाध्यक्ष बूटा सिंह लुखी, मनजीत सिंह, गगनजोत संधु, संदीप अजराणा, विक्रम राणा लुखी, नितिन गोयल, सुरेश नैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंचायत के नहीं, पेंडिंग इलेक्शन है एलनाबाद का। एलनाबाद के इलेक्शन को सरकार आज इसलिए नहीं करा रही, हम तो तैयार बैठे हैं, आज चुनाव हो, हम इनका बैम काट दें और उस इलाके के लोग जो है एंड तसल्ली करा देंगे। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको लिखने में मज़ा नहीं आएगा कि आज जेजेपी वाले का मुंह काला कर दिया, आज बीजेपी वाले के जूतों की माला पहना दी, आज कांग्रेस वाले से नाक से तीन कटवा ली। उस इलाके के लोग एन तैयार बैठे हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में पूर्ण रूप से मिली हुई है। आपने देखा कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपोजिशन लीडर है, उसने एक दिन भी ये नहीं कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बाई इलेक्शन जो है वो ड्यू है। आज उनको ये डिमांड करनी चाहिए थी सरकार से कि इलाहाबाद का इलेक्शन कराओ, लेकिन वो भी जानता है इस बात को कि अगर इलेक्शन कराया तो तेरे साथ ही वही होगी जो बीजेपी और जेजेपी वालों के साथ होनी है। इसलिए आपस में मिले हुए हैं ये लोग। ये नहीं चाहते कि इलाहाबाद का उपचुनाव हो। इलाहाबाद का उपचुनाव होता है तो उससे नए समीकरण बन जाएंगे प्रदेश के अंदर, उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, उसी दिन से सारा कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। ये जिला परिषद और पंचायत के चुनाव इसीलिए नहीं करा रहे, इनको इस बात का डर है कि इनका दिवालिया पिट जाएगा। चौटाला साहब बहुत जल्दी लोगों के बीच में आएंगे, उनके कार्यक्रम मुझे लगता है 20 तारीख से बन जाएंगे और 20 के बाद वो सबसे पहले बीस जुलाई से चौटाला साहब लोगों के बीच में जाएंगे। तब तक मुझे लगता है कि डॉक्टर उनको, क्योंकि उनके प्लस्तर लगा हुआ है, शायद 20 के बाद उनको परमिशन दे दे लोगों के बीच में जाने की। लेकिन वो सबसे पहले, उनका फैसला है ये कि वो सीधा किसान के जो जहाँ जहाँ धरने हैं सबसे पहले उन धरनों पे किसानों के बीच में जाएंगे। हमारी पार्टी के ऊपर स्टैंप है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है।
चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र किसानों के लिए संघर्ष किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी। जब सत्ता से बाहर थे तो उनके हकों के लिए लड़ते थे, और जब सत्ता में आते थे तो उनके लिए अच्छे कानून बनाते थे। तब उनको अच्छे कानून बना करके उनका फायदा करते थे। किसान को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए फैसले लेते थे। इसलिए चौटाला साहब का फैसला है कि वो सीधा पहले किसानों के बीच में जाएंगे और फिर पार्टी की मीटिंगें जो हम रखेंगे उन मीटिंगों में जा करके प्रदेश के हमारे पार्टी के लोगों से मिलेंगे, फिर गांव-गांव का कार्यक्रम भी वो बनाएंगे। हम उनका इस तरह से एक रूट बनाएंगे कि पूरा हरियाणा प्रदेश जो है वो अगले 3-4 महीने में कवर कर लें। कांग्रेस ही परेशान है, हुड्डा नहीं। आपने अखबार में खबर नहीं पड़ी होगी, चौधरी साहब जेल से बाहर आए और बाहर आते ही 4 कांग्रेस के हाईकोर्ट के चंडीगढ़ के वकील जो है उन्होंने जा करके एक कैबिनेट दाखिल कर दी इलेक्शन कमीशन के अंदर कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कोई एप्लीकेशन परमिशन किया है इलेक्शन लड़ने की, तो जहाँ पहले उनका सुना जाए वहाँ हमारी कैबिनेट फाइल हमें भी सुना जाए। कांग्रेस वालों ने तो पहले कैबिनेट भी फाइल कर दी, उनको तो इस बात का डर है कि चौटाला साहब अगर चुनाव में आ गए तो थारा तो दिवालिया ही पिट जाएगा। कंट्रोवर्सी पैदा करेगी सरकार कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसमें चंद्रशेखर जी को मीटिंग करने की इजाज़त वहाँ के ऑडिटोरियम में नहीं दी गई थी, आज उसी ऑडिटोरियम के अंदर इन्होंने जो है ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग रखी है। क्या DC के दफ्तर में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती? हमने जिला परिषद के ऑफिसों में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होते देखी है, हमने पंचायत भवन के अंदर ग्रीवेंसेस की मीटिंग होते देखी है। जहाँ मीटिंग का स्थान निर्धारित है वहीं करनी चाहिए। किस लिए जा करके बिना मतलब जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ स्टूडेंट की छुट्टी की जाती है स्पेशल एक दिन की, किस लिए छुट्टी करते? भाई छुट्टी तो लोग तुम्हारी करेंगे, समय आने दो, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन छुट्टी सत्ता में बैठे लोगों की लोग करेंगे। आज ये बेवजह स्टूडेंट को भी परेशान करें लोगों को भी परेशान करें।